अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल के खिलाफ एसीएमओ ने की बड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एसीएमओ नरेंद्र चौधरी ने की बड़ी कार्यवाही। हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज, हॉस्पिटल को किया सील। इससे पहले भी अस्पताल को किया गया था सील। ताले तोड़कर अवैध अस्पताल को किया जा रहा था संचालित। एसीएमओ नरेंद्र चौधरी ने अस्पताल को किया सील। अवैध हॉस्पिटल में 4 मरीज भर्ती मिले। इस दौरान नायब तहसीलदार पल्लवी जी जयंतीपुर चौकी इंचार्ज भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहा। मुरादाबाद के आपिद मार्केट स्थित सलमा नासिर हॉस्पिटल को किया गया सील। सर ये क्या कार्रवाई की गई, कौन सा हॉस्पिटल? ये सलमा नासिर हेल्थ केयर के नाम से है, कोहिनूर के पास में है। मेन रोड पर अस्पताल भी अवैध रूप से संचालित हो रहा था। हमने कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पे इनके खिलाफ तहरीर दी थी और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था, लेकिन इन्होंने अनावश्यक रूप से यहाँ पर सील तोड़कर फिर से मरीज भर्ती उपचार करना शुरू कर दिया। आज हम यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। शिकायत मिली थी पत्रकार बंधुओं एवं समाचार पत्र के माध्यम से कि यहाँ पर ये सील तोड़कर हॉस्पिटल संचालित हो गया है, जो कि आज यहाँ पर और निरीक्षण करने पर सही पाया गया और 4 मरीज भी यहाँ पर भर्ती थे और इसको पुनः से दोबारा से आज सील कर दिया गया है। और यहाँ पर संयुक्त टीम बनाकर डीएम साहब के आदेशानुसार हमारे और उच्च अधिकारी भी यहाँ पर जो हमारी नायब तहसीलदार मैडम हैं पल्लवी जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर आज उपस्थित रहीं और हम सब ने संयुक्त टीम बनाकर आज पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर इसको पुनः से दोबारा से सील किया। क्या कोई एफआईआर भी कराई गई इनके खिलाफ? हाँ, पहले इनके जुलाई मंथ में इनके खिलाफ तहरीर दी गई थी, एफआईआर दर्ज हो गई थी इनके खिलाफ। सर आज भी कोई एफआईआर? आज फिर पुनः दोबारा से इनके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। सर बेसमेंट में चल रहा था कि नीचे? बेसमेंट में अभी तो आज कोई नहीं, नीचे नहीं पाया गया, ऊपर ही मरीज भर्ती पाया गया।